सेंटीमीटर से परिचय भाग तीन इंट्रोडक्शन टू सेंटीमीटर पार्ट थ्री आज हम जानेंगे कि वस्तुओं को नापने के लिए स्केल को सही तरह से कैसे प्रयोग में लाया जाता है और टूटे हुए स्केल से वस्तुओं को ठीक तरह से कैसे नाप सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से छोटी है मुझे तो बराबर ही लग रही है ऐसा करते हैं नाप कर देखते हैं मैं अपनी पेंसिल से नापती हूँ और तुम अपनी से नापो मेरी पेंसिल दस सेंटीमीटर लंबी है अब तुम अपनी पेंसिल नापो मेरी पेंसिल बारह सेंटीमीटर लंबी है मैंने कहा था ना मेरी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से ज्यादा लंबी है ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दोनों की ही पेंसिल नई है जरा दिखाओ तो देखो हम्म मुझे अब समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है क्या समझ में आया देखो तुमने पेंसिल के निचले सिरे पर दो सेंटीमीटर को रखा है जबकि मैंने पेंसिल के निचले सिरे पर जीरो सेंटीमीटर को रखा है इससे क्या फर्क पड़ता है इससे गलत माप आता है स्केल से चीज़ों की सही लंबाई नापने के लिए हमें जीरो को उनके निचले सिरे पर रखना चाहिए जैसे मैंने रखा है ओ, अब समझी दो सेंटीमीटर से पेंसिल को रखने पर एक समस्या तो यह है कि जीरो सेंटीमीटर से लेकर दो सेंटीमीटर तक पेंसिल है ही नहीं फिर भी माप में मैंने इसको शामिल कर लिया अब इसको सही कर लेती हूँ पेंसिल को जीरो सेंटीमीटर पर रख लेती हूँ हाँ अब सही है अब तुम पेंसिल की सही लंबाई बता पाओगी मेरी पेंसिल भी दस सेंटीमीटर की ही है चलो अब कुछ और नापते हैं अरे तुम्हारा स्केल तो टूट गया अब मैं वस्तुओं की लंबाई नहीं नाप पाऊंगी मुझे लगता है कि इस टूटे स्केल से भी चीजों को नाप सकते हैं। कैसे चलो इस स्केल से पेंसिल को नाप कर देखते हैं देखो अब नीचे वाले सेंटीमीटर के मार्क से गिनना शुरू करते हैं एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह पेंसिल का नाप ग्यारह सेंटीमीटर क्यों आ रहा है अभी तो हमने नापी थी तब तो दस सेंटीमीटर की थी इसका मतलब हमसे कुछ गलती हुई है एक काम करते हैं अब इस पेंसिल को सही स्केल से नापने की कोशिश करते हैं तब शायद हमको अपनी गलती पता चल जाए अब मैं फिर से गिनती हूँ एक रुको क्या हुआ ये देखो सही स्केल में सबसे पहले जीरो लिखा है जबकि टूटे हुए स्केल से नापने पर हम सबसे पहले एक बोल रहे हैं इसका मतलब जब भी हम टूटे स्केल से नापेंगे तब शुरुआत जीरो से करेंगे हाँ चलो अब नापते हैं जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस दस सेंटीमीटर अब सही नाप आया है अब कुछ भी नापते समय ये दो बातें याद रखेंगे कि स्केल के जीरो सेंटीमीटर को वस्तु के शुरू में रखेंगे और किसी वस्तु को नापने के लिए स्केल में शुरुआत जीरो से करेंगे